Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is your Pranav Sharma, and if you are new to this channel, I'll be happy if you take a moment and subscribe my channel below. So दोस्तों, very good morning. सुबह के बजे हैं 6. मैं नूडल को लेकर के आया हूँ वॉक पे. काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं बनाया था, सोचा आज का दिन रिकॉर्ड करते हैं. ऐसा कुछ खास करने के लिए है नहीं, बट जो भी आज होता है, बेसिकली आज नूडल को मुझे डॉक्टर के पास लेकर के जाना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्जैक्ट 2 मंथ्स पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसका सर्जरी हुआ था 4th of October को. तो मुझे दोबारा से एक एक्सरे उसका कराना है, ताकि मुझे पता लग सके कि वो एक्चुअली में रिकवर हुआ है कि नहीं हुआ है. तो यस, वो करना है. और उसके बाद नूडल के जो आईज हेयर हैं और जो नेल्स हैं, वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो खेलने में मुझे वो स्क्रैच लग जाते हैं. तो आज मैं उसे HUFT के पार्लर पे लेकर के जाना है. मुझे उसकी कटिंग करानी है आईज के हेयर की, और उसके नेल्स ट्रिम कराने हैं मेरे को. सो या बने रहिए, अभी जल्दी से इसको कराते हैं वॉक, और फिर बनाता हूँ मैं अपने लिए चाय और शुरुआत करता हूँ अपने दिन की. तब तक बने रहिए मेरे साथ. Eat. And my chai is ready. तो दोस्तों, ऑलरेडी नूडल ने चिकन सुबह खा चुका है, और सुबह 7 बजे मैंने उसको लीशियस का बोनलेस चिकन खिलाया था. और अभी बजे हैं 9 AM, और अभी इसका सेकेंड मील का टाइम हो गया है. मैं इसको रोज़ एक बॉयल्ड एग, और उसी में मैं इसका कैल्शियम का टॉनिक मिला देता हूँ, क्योंकि इसका एक्सीडेंट हुआ था, फ्रैक्चर हुआ था, तब से डॉक्टर ने बोला है कि इसको हमेशा इसके मील में टॉनिक मिलाना है, तो वो मैं मिला देता हूँ. एंड हेयर नूडल इज़ ईगरली वेटिंग कि मैं इसको ईट कमांड दूँ और ये खाए. सो लेट्स स्टार्ट. नूडल ईट. मैं हो गया हूँ नहा करके तैयार, और अब ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो नूडल को लेकर के चलता हूँ HUFT उसके ग्रूमिंग के लिए. और इफ़ पॉसिबल मैं वहीं से रास्ते में डॉक्टर के पास भी लेकर के जाऊँगा इसके एक्सरे के लिए, एंड देन देखते हैं, फिर आते हैं वापस, आपको दिखाता हूँ. फाइनली मैं HUFT पहुंच गया हूं, और नूडल का चल रहा है ग्रूमिंग सेशन. मीनवाइल आई विल शो यू दिस शॉट.
सो आई एम बैक होम और नूडल का ग्रूमिंग हो चुका है, उसके आँखों के हेयर कट और उसकी नेल्स ट्रिमिंग दोनों चीज़ मैंने करा दी। और क्योंकि हम निकले ही थे घर से, तो रास्ते में मैंने जिस डॉक्टर से इसका इलाज चल रहा था वहाँ पर मैंने उसका दोबारा से एक्सरे कराया और न्यूज़ पॉजिटिव ही है, तो ये रिकवर हो चुका है। उन्होंने बोला है कि 95% रिकवर हो चुका है और जो इसके क्लिप्स लगे थे वो भी अपनी जगह पर ही हैं, हिले नहीं हैं, रिकवर हो रहा है। बस आगे भी हमें इसको ध्यान रखना है कि हम इसे ज़्यादा एक्टिविटी ना कराएं क्योंकि ये ज़्यादा ओवर एक्टिव है। तो येस, दैट इज़ गुड थिंग फॉर नूडल एंड फॉर मी बिकॉज आई हैव टू ट्रैवल इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी अलॉन्ग विद हिम, सो दैट इज़ रियली गुड न्यूज़ फॉर मी। नूडल, आईब्रोज बनवा लिया आपने? पार्लर गए थे आप? सिट, आईब्रोज बनवा लिया आपने? हाँ, तो नूडल ने अपनी आईब्रोज बनवा ली है और कितना क्यूटी लग रहा है, और अपने नेल्स भी करवा कर आए हो, आप दुल्हन बनकर आ गए हो, पार्लर जाते हो, खर्चा कराते हो। हाँ नूडल, ओ काटता है डैडी को काटते हो आप? डैडी को काटते हो? कौन आया नूडल, कौन आया? जाओ देख के आओ कौन आया। नूडल ईट, तो गाइज मैं अपना व्लॉग करता हूँ यहीं पर एंड। मैं काफ़ी थक चुका हूँ, नूडल को बाहर ले जाना इतना आसान नहीं है। तो येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ टू एज मैनी पीपल एज यू कैन, एंड येस इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब माई चैनल येट प्लीज़ डू सो। टिल माई नेक्स्ट वीडियो विल बी अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।